है खास हर अंदाज। कौन कौन कौन? आपके मुंह से तारीफ सुनने के लिए तो मैं धावते पड़ते आई। खुदा खैर करे, बेहूदगी की सारी हदें पार कर दी इन मोहतरमा ने। हमारा शक एकदम सही निकला, आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता जरूर है। देखो, और मजबूत बनाने के लिए हम आप दोनों की मंगनी किए देते अभी इसी वक्त। हमारा पहना ना बना बना। कितनी नफरत करते हैं हम इस बिजनेस पांडे से, इतनी नफरत की अगर इसके खानदान का कोई और भी मिल जाए ना तो उसको भी ना छोड़े। किसी भी हालत में इस कादिर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब बीबी की फैमिली है। ब्रजेश पांडे का फैमिली? कितनी नफरत करते हैं हम इस ब्रजेश पांडे से, इतनी नफरत की अगर इसके खानदान का कोई और भी मिल जाए ना तो उसको भी ना छोड़े। किसी भी हालत में इस कादिर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब बीबी की फैमिली है। ब्रजेश पांडे का फैमिली? ब्रजेश पांडे, इसका मतलब ये खानदान ब्रजेश पांडे का है? ठहरिए, ये निकाह नहीं हो सकता। हमारे साथ बहुत बड़ा फरेब हुआ है। ये जो अखिलेश है ना, यही अकरम है, और जो अकरम है वही अखिलेश है। इन सब ने आपसे झूठ बोला है। जिस ब्रजेश पांडे से आप नफरत करते हैं ये उनका परिवार है। परदार जो किसी ने ब्रजेश पांडे की तरफ कदम भी बढ़ाया तो सबकी जान जाएगी। और शौकत मियां, आप भी अपने ही हाथों से अपनी बेटी को बेवा करने से हम नहीं कतराएंगे, समझ गए आप? अगर दो दो बीवियों के साथ रहना है तो ऐसा कुछ चक्कर चलाना होगा कि ये दोनों हमरे पीछे नाचती भागती रहे। खुलू के बाप हुई आरती ले लो। अरे मोरे गंगा मैया, ए गुल्लू तुम्हारे बापू कहाँ गए? चाची, हमारे चाचा कहीं फिर से भाग तो नहीं गए? मिसेज पांडे वहाँ है, ये उनके लिए। इट्स पॉजिटिव। व्हाट्स पॉजिटिव? इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। बीबी, तुम फिर से डैड बनने वाले हो? दो महीने पहले जो हुआ उस रात की वजह से मैं प्रेग्नेंट। अरे मारे गंगा भैया! हम सोचे हैं कि सारी दुनिया त्याग के हम हरिद्वार चले जाएंगे। पिताजी ठीक हो गए? क्या? What? आप खुद इरा जी को ये अस्पताल में वापस लेकर आएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो लानत है हमारे प्रेम पर। यू इरा जी का सपना भी साकार नहीं कर सकता। क्या है ये वर्जिन मोहितो? इगो मोहितो है। अब देखना कैसे मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को पल दे तुम्हारे खिलाफ कर दे। बस बस इनफ, आई नो। Oh my God! Oh, feeling sick. वो पुष्पाने वो घी में तले हुए पराठे से टोस्ट टोस्ट कर खिलाएं। मैं दिन में सो गई। Sir, time 2 बजे? ये दिन के 2 बजे इतना अंधेरा कैसे हो सकता है? My God! दुनिया खत्म हो रही है। Oh my God, judgment day is here. Please God,
मैंने ऐसा कुछ बुरा नहीं किया. प्लीज सेंड मी टू हेवन. आई बेग यू जीसस, कम ऑन, प्लीज प्लीज हेल्प मी. ए अकल की पैदल, इन सारी खिड़कियों पे काला कागज हम लगाए हैं, तभी तो ये अंधेरा हुआ है. पर क्यों? वो कहाँ है दुल्हन? आज 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सूर्य ग्रहण है, और ये जो तुम्हारे पेट में लल्ला है ना, उसको सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए हम ये सब किए हैं. How sweet is that, Taiji? लेकिन you know what, Taiji, the thing is के मैं ये सब you know superstitions में बिल्कुल believe नहीं करती हूँ. Okay, तो मैं ये सब निकाल देती हूँ. जॉन, महिला को अपने होने वाले बच्चे पर ग्रहण के प्रभाव की जरा भी चिंता नहीं, वो कभी गर्भवती नहीं हो सकती. हमारा शक धीरे धीरे विश्वास में बदलता जा रहा है, और अब तुमका इतना परेशान करेंगे दबीना कि की बात तुम खुद अपने मुंह से स्वीकार करोगे. सर, आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना. क्या हुआ? सर प्लीज चलिए ना. से देखिए दुनिया वालों, यही वो डॉक्टर है जिन्होंने महज एक गलती के कारण एक होनहार डॉक्टर को नौकरी देने से इनकार कर दिया. अब आप ही सब बताइए, आप ही बताइए, हमका गलती इंसान से ही होती है ना. अच्छा, तो अब ये आदमी मेरे साथ गेम खेलने पे उतर आया है. शी, शर्म नहीं आई तुम्हें एक नन्ही सी जान का मर्डर करते हुए? आपको इंटर्नशिप वापस रख रहा हूँ, लेकिन आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा. अरे कोनो बात नहीं डॉक्टर साहब, इरा जी आपकी कोई भी परीक्षा में पास हो जाएगी. ठीक है, लेकिन वो टेस्ट पेपर मैं खुद सेट करूंगा. आई होप इस डॉक्टर को मान बनने का शौक न चढ़ा और अपने होने वाले नुकसान को समझे. सेंट. पुष्कर जी कहाँ चले गए? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ. यह आदमी वाकई पागल है, कुछ भी कर सकता है. डॉक्टर का मैसेज? शायद मेरी ही रिपोर्ट होगी. पुष्कर जी ने कहा था भेजने के लिए. दीनू, एक मिनट मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो दीनू. आज करवा चौथ है, प्लीज शूट पर से जल्दी घर पर आ जाना. करवा चौथ, ये सब ढकोसला किस लिए सिद्धि? ये करवा चौथ मैंने अपने पति के लिए रखा है, तुम्हारे लिए रखा है. इसलिए पूरे विश्वास के साथ मैं भूखे प्यासे तुम्हारा इंतजार करूंगी, और तुम्हें पूरा हक है, चाहो तो मत आना. अर्धनारीश्वर काना राधा, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे रूप को आज खंडित कर दूंगा. राधेश्वर द्वारा कंस महिषासुर का वध होने पश्चात भद्राक्ष असफल होता है मूल रूपी कंस को पुनः जीवित करने में, और दूसरी ओर राधेश्वर बरसाना वासियों को देते हैं जीवन दान. गुंडे गए हैं ना वहाँ पर? अरे नहीं भाई, वही तो हम आपको समझा रहे हैं. अगर ये गुंडे वहाँ नहीं गए हैं तो एकदम से बहुत मतलब हैवी फील हो रहा है सर में. आप प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ. पकड़ रहे, लेके चल अंदर, इनकी दिखातीदारी करते हैं. चल पहले मैडम से आज पुराना हिसाब चुकता करना है. रे! आप ना लड्डू के भैया को ऐसे अमित जी जैसा बाल काटिएगा. जैसा आप कहेंगे वैसा काट देंगे. बॉस, मैंने वेलकम ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी थी, अब 1 घंटे तक उठेंगे नहीं है. वेरी स्मार्ट बॉय. एक काम करो, कलर्स लेके आओ और कलर लेके आओ. ओके बॉस. तिवारी जी उठिए उठिए, काम तमाम हो गया आपके बालों का, उठिए. कौन सज्जन है? चश्मा लगा के देखिए. प्रणाम.